ये तो वही पीताम्बरी है जो मैंने देवकी को भिजवाई थी। ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो चमत्कार है। अरे नहीं यशोदा, सभी पीताम्बरी एक जैसी होती हैं। यशोदा, नंद जी, वो घर के पीछे, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कुशल तो है। चलिए। ऐसा दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर तो पूरा वन आ बैठा है। हमारा लल्ला तो चमत्कारी है। पर आर्य, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये सब भी हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आए। अद्भुत, ये सब तो एक स्वप्न सा अद्भुत है। अब तो बस उत्सव ठीक से हो जाए। उत्सव तो ठीक से हो ही जाएगा। बलराम, उत्सव में अपने छोटे भाई का ध्यान रखना तुम्हारा कार्य है। अपने स्थान पर बने रहना ताकि कोई भी लल्ला के समीप ना जा सके। और हाँ, इसका पालना झुलाते रहना ताकि ये रोए नहीं। ठीक है मैया। मुझे आने में इतना विलंब क्यों रहा है? तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने उसे अति शीघ्र बुलाया है? हाँ महाराज, मैंने बताया। यदि बताया है तो कहाँ है अक्रूर? अक्रूर यहाँ है महाराज। मथुराधिपति की जय। क्षमा चाहता हूँ महाराज, जिस समय मुझे आपका संदेश मिला मैं युद्ध के मध्य में था, इसलिए आने में समय लगा। आपके साथ जो भी घटित हुआ उसकी सूचना मुझे मिली महाराज। तुम मेरे सबसे निष्ठावान सेवक हो और तुमसे अधिक मुझे किसी पर विश्वास नहीं। और अब जो हुआ उसकी हानि तुम ही पूरी कर सकते हो। महाराज के हर आदेश का पालन करने का संपूर्ण प्रयास होगा मेरा। मेरे साथ छल हुआ है कौन? उन देवताओं ने मिलकर मुझे चला है। मुझे विस्तार से पता है महाराज, किंतु आप चिंता मत कीजिए। आपका काल जहां भी होगा आपका यह सेवक उसे ढूंढ निकालेगा। तो जाओ क्रो, ढूंढ निकालो उस बालक को जिसके लिए वो आकाशवाणी हुई है। वो कहीं भी हो सकता है, पूरे राज्य में उसकी आयु का जो भी बालक दिखे उस पर दृष्टि रखो। कहीं किसी बालक का जन्मोत्सव बनाया जा रहा हो तो उसकी सूचना मुझे दो, और जैसे ही उस आकाशवाणी वाले बालक का पता चले उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। मैं और मेरा दल इसी क्षण कार्य में लग जाएंगे महाराज। तुरंत वेश बदलकर उस बालक की खोज आरंभ करो और अपनी गुप्तचर इकाई को भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज दो। जाओ। अद्भुत, महागंभीर योगी के होठों पर मुस्कान, अर्थात निमंत्रण आ ही गया। निमंत्रण तो आना ही था गौरी। आप कब और कैसे उनसे भेंट कर रहे हैं? बताऊंगा नहीं गौरी, अब तो सबको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा भी ऐसे कि कोई मुझे पहचान नहीं पाए। अब समय आ गया है गौरी, मेरा अपने आराध्य के नए अवतार के दर्शन करने का। ब्रह्मा जी ने
नक्षत्र दीना, इंद्र जी ने कुंडल, शिव जी ने चंद्र दीना, सोहे मुख मंडल, सूरज ने भेंट दई सोने के थाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसो दिव्य तेज लेके कान्हा है पधारे, जाके आगे फीके फीके लगे चांद तारे, ऐसो दिव्य तेज लेके कान्हा है पधारे, जाके आगे फीके फीके लगे चांद तारे, फीकी चमक लगे मोदियन के माल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जगे भयो जी आयो, हरने दुखों को आयो लल्ला ये हमारो, गोकुल के भाग जगे भयो जी आयो, हरने दुखों को आयो लल्ला ये हमारो, बाजे है ढोल गुंज ध्वनि कर ताल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। प्रणाम आराध्य। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आराध्य, मेरी भेंट स्वीकार करें। यशोदा, हम यहाँ माखन खाने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे लल्ला को आशीष देने आए हैं। और उसे अपनी गोद में खिलाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे किंतु अरे बलराम, तू ऐसे बीच में आके क्यों खड़े हो गए? क्योंकि यशोदा मैया ने मुझे ये कार्य सौंपा है कि कोई भी लल्ला को गोद में नहीं लेगा, कोई भी उसे नहीं छुएगा, क्योंकि लल्ला भी छोटा है। बलराम सही तो कह रहा है, हमारा बल बहुत समझदार है, इसे पता है कि अभी लल्ला बहुत छोटा है, कोमल है,
मैं अभी किसी को इसे हाथ लगाने नहीं दूंगी। मैया ने इन्हें तो रोक लिया, पर अब जो विशेष अतिथि आ रहे हैं उन्हें कैसे रोकेंगी? लल्ला, मेरे लल्ला की आंखों में धूल ना चली जाए। आजा लल्ला, आजा, आजा। आप सभी भीतर चलिए ना। हाँ हाँ यशोदा, तुम लल्ला को ध्यान से लेके जाओ। चल लल्ला। रोहिणी भाभी, बलराम, शीघ्रता से भीतर चलो।